भाई अब बात कर लेते हैं TVS की रेडर की। इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड स्पोर्टी रखा गया है। एक्सट्रीम 125R का डिज़ाइन जो है थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव रखा गया है। इसका डिज़ाइन मतलब कि अगर फादर वगैरह भी चलाते हैं तो भी ठीक लगता है, वो थोड़ा सा यंगस्टर्स के लिए टारगेट की गई है। इधर ये देखिएगा TVS का लोगो मिल जाता है, रेडर की इधर ये ब्रांडिंग है और यहाँ पर ये फ्लैक्स फ्यूल वाली खड़ी हुई है। इसमें भी 10 लीटर की फिल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इधर USB ए पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए। हेडलाइट की अगर बात की जाए इस बाइक में भी फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, DRS मिलते हैं। कुछ लोगों को रेडर का जो हेड है वो पसंद नहीं आता है भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरे लिए अगर मुझसे पूछा जाए तो एवरेज है, ना तो ज़्यादा अच्छा कहूँगा और ना ही ज़्यादा मैं ख़राब कहूँगा। इधर ये रेडर का बैज मिल जाता है, TVS की ब्रांडिंग है, नेकेड हेड इसमें भी दिया गया है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, फ्रंट मडगार्ड का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इसमें भी 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, अलॉय का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इसमें फ्रंट में TVS कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है और भाई इसका टायर साइज है 8017। रेमोरा सीरीज़ का इसमें टायर दिया गया है भाई। इसमें फ्रंट वाला टायर जो है थोड़ा पतला मिलता है एक्सट्रीम से, तो वहाँ पर उसको एडवांटेज मिल जाता है। और एक और एडवांटेज मिलता है रेडर से एक्सट्रीम में कि उसमें सिंगल चैनल ABS वाला भी वेरिएंट मिलता है, जबकि इसके साथ में ऐसा नहीं है। इसमें SPD मिलता है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। ये देखिएगा सभी हैंडल पर फीचर बटन दिखा देता हूँ। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग, लो बीम हाई बीम साइटेड इंडिकेटर और यहाँ पर ये हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर यहाँ पर इको एंड पावर, इसमें दो राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं और यहाँ पर ये सेल्फ के लिए स्विच मिलता है। अब भाई इसमें हज़ार लाइट का भी फीचर नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर बाजी मार लेती है एक्सट्रीम 125R और इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। इसका इसका टॉप एंड वेरिएंट आता है स्मार्ट एक्स करेंट के नाम से, उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है एक्सट्रीम 125R से फार बेटर है। उसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है, 10x10 नेविगेशन देख सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स जो हैं आपको उसमें मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इसमें भी कंपनी ने 125cc का एयर कूल इंजन दिया है और भाई इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है लगभग 11.2 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का। इधर ये इंजन गार्ड दिया गया है, 5 गियर मिलते हैं, सेफ्टी पॉइंट से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर दिया गया है। एंड यहाँ पर ये देखिए सेंट्रल स्टैंड भी यहाँ पर ये लगा कर दिया है, जबकि उसमें सेंट्रल स्टैंड अभी नहीं लगा था। ये देखिएगा इसमें स्प्लिट सीट दी गई है जो कि राइडर और पिलिंग के लिए कंफर्टेबल है। स्प्लिट सीट उसमें भी है और ये सिंगल सीट में भी आती है। यहाँ पर ये देखो एकदम नई प्रोफाइल है, फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को मेंशन किया गया है। इसमें रियर में मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया गया है, उसमें भी है नेकेड चेन सेट है। ये अब थोड़ी सी सिंपल लग रही है, पहले ये ज़्यादा स्पोर्टी लगती थी अपने सेगमेंट में, लेकिन उसके आगे ये थोड़ी सी सिंपल लग रही है। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में कंपनी ने 190/17 का ट्यूबलेस टायर दिया है, जबकि उसमें ज़्यादा मिलता है। रियर टायर में प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, ये है इसकी रियर प्रोफाइल। यहाँ पर एडवांटेज मिलता है एक्सट्रीम को कि उसमें फ्लैशर्स जो हैं LED में मिलते हैं, इसमें हेलोजन बल्ब में है। टेल लाइट का पैटर्न को जिस तरीके का है ये देखिएगा। बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। रियर में इसमें भी 130mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। इसके एग्जॉस्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, एक एक चीज़ जब मैं देख रहा हूँ तो एक्सट्रीम मुझे ज़्यादा स्पोर्टी अब लग रही है, ये थोड़ी सी सिंपल सी लग रही है। रेडर का इधर ये बैज मिल जाता है, प्लेन फुट पैड, राइडर फुट पैड और भाई इस बाइक में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। यहाँ पर बाजी मार ली जाती है एक्सट्रीम 125R। अगर देखा जाए तो बहुत सारे मामलों में TVS रेडर से अब हीरो की एक्सट्रीम 125R जो है कई गुना आगे निकल गई है। वो उसका फर्स्ट जनरेशन है, इसमें तो कंपनी ने काफ़ी कुछ अपडेट कर दिए थे जब लॉन्च हुई थी उसके बाद से। वारंटी की अगर बात की जाए तो भाई इस पर कंपनी 5 साल की और 60,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। अब मैं आपको इसके सभी वेरिएंट बता देता हूँ। सिंगल सीट में आती है, डिस्क के साथ में, स्मार्ट एक्स कनेक्ट में आती है, सुपर स्क्वाड एडिशन में आती है और ड्रम वेरिएंट में भी ये आती है आई थिंक। टॉप एंड वेरिएंट इसका जो आता है उसमें स्मार्ट एक्स कनेक्ट की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। उसकी एक्सोरूम प्राइस है 1,04,400 रुपये के आसपास। ऑन रोड आते आते ये बाइक 1,22,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगी। अगर डिस्क वेरिएंट की बात की जाए तो भाई इसकी एक्सोरूम प्राइस रहती है 95,000। ऑन रोड आते आते ये भी 1,15,000 रुपये के आसपास मिलेगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने लिए इन दोनों बाइक में से एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। कौन सी बाइक सिलेक्ट की है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं इनका डिटेल्ड और अच्छी तरीके से मैसिव कंपैरिजन भी ज़रूर लेकर आऊँगा।